नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत घोष। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, हालांकि मुझे ब्लॉगिंग ठीक तरह से नहीं आता, सो फिर भी मैं कर रहा हूँ। कोई भूल हुआ तो माफ़ कर देना मुझे प्लीज़। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे, अच्छा रहना भी होगा ये लॉकडाउन के समय, ये कोविड के समय। हालांकि 2 साल से तो ऐसे ही चल रहा है, लोगों का काम नहीं है, ठीक से इनकम नहीं हो रहा है, सब कोई ना कोई चाहने वालों गुजर गए हैं। तो अभी तो 1-2 साल हो चुके हैं, वैक्सीन भी आ गया है, अभी सब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे। कोई कोई नहीं भी होगा तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, वैक्सीन है तो प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन है तो आप सुरक्षित हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग है, आज से मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले एक यूट्यूब चैनल था मेरे, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया। तो ये नया स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग चैनल, मैं अभी कच्चा हूँ इस ब्लॉगिंग। तो मेरा कोई ब्लॉगिंग सेटअप नहीं है, देख सकते हो इस तरफ है, भगवान जी सब बैठे हैं, इस तरफ दरवाज़ा है, और ये बैकग्राउंड जो है ना वो मंदिर का ही एक। तो ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ऐसा कोई हाईफाई सेटअप नहीं है, नॉर्मल सा बंदा हूँ, नॉर्मल सा सेटअप है। एक फ़ोन है, एक स्टैंड है जो कि टूटा हुआ है, दिखाऊंगा तुमको बाद में। सो आई डोंट नीड एनी सिंपैथी, सो मेरा जो फीलिंग्स है आपके साथ शेयर करने आया हूँ इस ब्लॉगिंग के थ्रू। तो 2019 में जब ये लॉकडाउन हुआ, हालांकि 2019 में जब ये लॉकडाउन सिचुएशन आने ही वाला था, COVID-19 आने वाला था, दिसंबर में आया फर्स्ट केस, दिसंबर में फर्स्ट केस कैच हुआ, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में ही लॉकडाउन हो गया सब। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए अच्छी तरह, लेकिन जब लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा था, तभी धीरे धीरे फाइनेंशियल, मेंटल स्ट्रेस, एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, कुछ भी नहीं ठीक हो रहा था। तो उस समय मैंने सोचा था कि मोबाइल है, इंटरनेट है, तो क्यों ना कुछ किया जाए। तो फिर सिचुएशन ऐसे बदतर होते गए, मैं उस मूवमेंट में ही नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूं, यूट्यूब करूं, मुझे सिर्फ चिंता थी कि कैसे मिल सके, कुछ नहीं ठीक लग रहा था। मैं को देख के मेरा मोटिवेशन और भी डाउन हो गया, कैसे मैं करूं, कैसे सब कुछ ठीक होगा। भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, एंड मिल रहा तो कोई ना कुछ कर रहा है। लेकिन मैं कुछ दिन जोमेटो में काम किया, तो फ्रीलांस अभी 1 साल से फ्रीलांस कर रहा हूँ, उसमें जो काम मिलता है उससे कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं हो जाता है, कुछ मिलता है तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे होने लगे हैं कि किसी से भी कोई काम नहीं मिला है, किसी से कोई जगह इंटरव्यू देने जा, तो इंटरव्यू बोला है 7 दिन बाद कंडक्ट करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। सोचता हूँ कि मैं सब छोड़ के सब चला जाऊँ कहीं भी, कुछ नहीं, लेकिन फिर आती है फैमिली, फैमिली को छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकता, सभी जानते हैं फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर फैमिली नहीं है तो कुछ नहीं, पैसे बहुत कमाओ, बहुत कुछ करो, लेकिन जब फैमिली नहीं होगा पीछे साथ, तो मनी इज़ नथिंग फॉर एनीवन, आई थिंक सो। जो भी सोचते हैं मनी इज़, यस मनी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लिव अ लाइफ, बट इमोशनल, मेंटल सपोर्ट ऑलवेज फैमिली में, फैमिली इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यस, कोविड के समय जो अपने फैमिली को रहे थे, और यस इस समय उस वक्त लॉकडाउन के बाद अच्छी तरह से टाइम स्पेंड किए, कोई कोई फैमिली मेम्बर कोविड की वजह से डेथ हो गया। दुआ करता हूँ उन सभी के लिए जो गुजर गए हैं, कैसे भी करके जी रहा हूँ अभी। लेकिन ब्लॉगिंग का बारे में सोच भी सोचा कि नहीं चलो ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे करते हो वैसे करते हैं, चलते ही गए। लेकिन अभी सोच रहा हूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है जब ये मेरा फर्स्ट वीडियो,
I know many mistakes will come from me, but best मैं सब अपना बेस्ट दूंगा ब्लॉगिंग के बारे में. या आप पसंद करते हो वैसे ही ब्लॉगिंग करूंगा. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ मेरा ये ब्लॉगिंग. कोई कोई जगह फंबल हुआ है मुझे पता है. इट्स फर्स्ट टाइम एवरीवन नोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल. माय नेम इज़ अभिजीत घोष. थैंक यू. That was